सिंगरौली में रिलायंस शासन पावर के मुहेर कोयला माइंस का दायरा बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ भी लगातार ऊपर उठता जा रहा है। कंपनी ने बिना नोटिस और कानून का खुला उल्लंघन करते हुए पट्टे की जमीन पर जबरन काम करना शुरू कर दिया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। रिलायंस शासन पावर ने मनमाने ढंग से ग्रामीणों की जमीन पर कार्य करना शुरू कर दिया है। कंपनी के लगातार बढ़ते दायरे के चलते बस्तियां सिमटती जा रही हैं और प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। किसानों की जमीन पर कंपनियां जबरदस्ती विकास का आसमान खड़ा कर रही हैं। रिलायंस शासन पावर कोल माइंस प्रबंधन द्वारा कानून और नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मुहेर निवासी दयानंद जायसवाल ने बताया कि रिलायंस कंपनी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और मनमाने तरीके से पट्टे की जमीन पर काम शुरू कर दिया गया, जिसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब किसान तंबू लगाकर अपनी जमीन पर रहने को मजबूर है और जिला प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। रिलायंस वाले रिलायंस का प्रबंधन मनमानी तरीके से मेरे जमीन में कब्जा कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी एक्सक्यूवेट कर रहे हैं, 25 डिसमिल में ऑलरेडी एक्सक्यूवेट कर चुके हैं और अदर तैयारी है। तो मैं इमीडिएटली साइट पे अपने रश हुए, बट ये साइट 25 किलोमीटर दूर है, आने में थोड़ा वक्त लगा। इन बिटवीन मैंने यहाँ जो भी अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, SDM साहब हैं और अपने TI हैं और भी यहाँ के लोकल गणमान्य लोग हैं, उनको के हमारे साथ इस तरीके किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।